इस लेक्चर में हम एक कॉन्स्ट्रेंट मोशन का प्रॉब्लम करेंगे। इसमें थोड़ी सी डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी रिलेटिवली बाकी प्रॉब्लम से ज़्यादा है, और हमें पता लगाना है इसमें एक्सलरेशन निकालना है इस मास का। इस मास का में एक्सलरेशन निकालना है। पहले तो इन इन प्रॉब्लम्स में जो आपको पहली चीज़ देखनी है वो है रिलेशनशिप, इसकी वेलोसिटी का रिलेशनशिप। इस या इसने अगर डिस्टेंस सपोज एक्स मूव किया तो ये कितना मूव करेगा एब्सोल्यूट में, और ये कितना मूव करेगा एब्सोल्यूट में और रिलेटिव में। ये बहुत ज़रूरी है निकालना ऐसी प्रॉब्लम है। पहले उसको हम निकालते हैं कॉन्स्ट्रेंट मोशन के मेथड से। जैसे स्ट्रिंग दिया हुआ है, स्ट्रिंग देखिए यहाँ पे, जब ये पुली के ऊपर से जाता है तो पूरा मूवमेंट ही ऑल्टर हो जाता है। अगर हम स्ट्रिंग को यहाँ सीधा बांध देते तो अलग रिलेशनशिप आता, लेकिन हमने स्ट्रिंग को डायरेक्ट ना बांध के यहाँ पुली के ऊपर से ले गए और ऐसे किया। अब हमें निकालना है रिलेशनशिप और इसका एक्सलरेशन। तो ऐसे प्रॉब्लम में आप देखिए, मैं पुली को यहाँ छोटा कर लेता हूँ। पुली का साइज इनसिग्निफिकेंट है, छोटा है। ऐसे आप इस डिस्टेंस को मानिए जेड, ये भी जेड है, ये इनसिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट है डिस्टेंस। तो ये जेड है, ये जेड है, और ये आपके दो फिक्स पॉइंट्स हैं। तो ये डिस्टेंस आप मान लीजिए, सपोज़ ये है हमारा डी डिस्टेंस है। अब इस डिस्टेंस को आप यहाँ से मानिए, फिक्स पॉइंट से इसको मानिए, एक्स मान लीजिए, और इस डिस्टेंस को आप मानिए एक्स। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक x है, और लेट मी ब्रेक अप, इसको आप ले लीजिए c, इसको ले लीजिए d, ये डिस्टेंस ले लीजिए d, ये डिस्टेंस ले लीजिए c। ये बहुत थिन है, इसका ये थिकनेस हम बहुत कम मान के चल रहे हैं। ये डिस्टेंस c है, ये d है, और ये डिस्टेंस आप e ले लीजिए स्ट्रिंग का। अब देखिए स्ट्रिंग की टोटल लेंथ l0 है, तो पहले मैं ये इस x के टर्म्स में ना करके मैं इस टर्म में करता हूँ c, और ये आप a ले लीजिए, और x जो है वो है c प्लस a, x है c प्लस a। इसमें दोनों चीज़ लेनी पड़ेंगी आपको, इस रेफरेंस से इसका डिस्टेंस भी लेना पड़ेगा फिक्स पॉइंट से, और ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा फिक्स पॉइंट से इसके इस एज तक, और ये डिस्टेंस c, ये डिस्टेंस d, ये e, ये डिस्टेंस सब इसको मान लीजिए आप F, इसको मानिए F, क्योंकि D हमने यहाँ पे ले लिया है। अब आप स्ट्रिंग की टोटल लेंथ लिखिए, Z प्लस Z प्लस ये भी Z आप मान लीजिए, ये सेम है, ये Z है, ये Z है, और ये Z है। आपका हुआ टोटल लेंथ 3Z, Z, Z, Z प्लस D, ये डिस्टेंस D प्लस C प्लस F, ये वाला पार्ट है, ये पार्ट है C प्लस F प्लस E इज इक्वल टू L0। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 डेल्टा Z प्लस डेल्टा D कितना होगा, ये कांस्टेंट है, डेल्टा D जीरो होगा, ये फिक्स पॉइंट है ज़ीरो, प्लस C प्लस F जो है कांस्टेंट है, ये लेंथ तो चेंज नहीं होगी टोटल लेंथ, ये तो कांस्टेंट है, तो इसका डेल्टा भी ज़ीरो होगा, प्लस डेल्टा ई इज इक्वल टू ज़ीरो, लेंथ भी कांस्टेंट है। तो 3 डेल्टा जेड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ई, और मॉडुलस डेल्टा जेड 3 इज इक्वल टू डेल्टा ई मॉडुलस। मतलब अगर ये एक्स चलेगा तो यहाँ पे इसके ऊपर, ये आप एक चीज़ ध्यान रखिए, ये ई जो है, डेल्टा ई जो है रिलेटिव मोशन है ऑन ऑफ एम टू ऑन एम, ये रिलेटिव मोशन देगा, क्योंकि हम मेजर कर रहे हैं इस पॉइंट से, फिक्स फ्रेम से नहीं मेजर हो रहा। सपोज ये हम मेजर कर रहे होते किसी फिक्स पॉइंट से, कहीं ऐसे कोई पॉइंट होता और ई को हम ऐसे मेजर कर रहे होते तब ये एब्सोल्यूट होता, लेकिन ई को हम मेजर कर रहे हैं एक पॉइंट से जो कि बॉडी पे लगा हुआ है,
तो ये बॉडी के रिलेटिव है डेल्टा ई। डेल्टा जेड क्या है? डेल्टा जेड है, ये सब फिक्स पॉइंट पे हैं, ये भी फिक्स पॉइंट पे है, ये भी एक फिक्स पॉइंट है, और ये इस बॉडी के एजेस हैं। तो डेल्टा जेड भी है एब्सोल्यूट, ये तो है एब्सोल्यूट और ये है रिलेटिव। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखनी है। सो एम टू का रिलेशनशिप आ गया एम के साथ मूवमेंट का, हमें एम वन का भी निकालना है। एम वन का निकालने के लिए आप यहाँ तक ही लेंथ लीजिए स्ट्रिंग की, ये लेंथ लीजिए, ये लेंथ में स्ट्रिंग की अगर लूँगा तो ये लेंथ कितनी है? जेड प्लस डी प्लस जेड प्लस सी, जेड प्लस सी प्लस ट्वाइस जेड इज इक्वल टू, सपोज ये एल वन है स्ट्रिंग का लेंथ, ये है जेड प्लस सी, और मुझे जेड प्लस सी निकालना है। डेल्टा जेड प्लस सी जो है मेरा एक वेरिएबल है जिसको मैं एक्स लिख सकता हूँ, डेल्टा एक्स, या जेड प्लस सी को मैंने एक्स लिख लिया, क्योंकि मैं एक्स क्यों लिख रहा हूँ आप सोचेंगे, मैं एक्स इसलिए लिख रहा हूँ मुझे इस मास का मोशन चाहिए ना इस फिक्स फ्रेम के रेफरेंस में। तो फिक्स फ्रेम से आप लेंथ अगर मेजर करेंगे तो ये एक्स हो गया। तो इसको मैं दूसरी तरह से लिख के दिखा देता हूँ, एक्स स्ट्रिंग का लेंथ यहाँ तक क्या होगा, ये एक्स है, ये डी है, प्लस डी प्लस ट्वाइस जेड इज इक्वल टू एल वन। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस डेल्टा जेड, और मॉडुलस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस मॉडुलस डेल्टा जेड। ये आ गया इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप आपका। इससे पता चल रहा है कि आपका डेल्टा एक्स जो है ट्वाइस डेल्टा जेड आ रहा है, ये भी आपका एब्सोल्यूट है, ये भी एब्सोल्यूट है, ये रिलेटिव था। सो यहाँ तक तो आपको क्लियर होना चाहिए, रिलेटिव और एब्सोल्यूट का आपको बिल्कुल क्लैरिटी रहनी चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब इस प्रॉब्लम को हम दो मेथड से कर सकते हैं, एक तो टेंशन लेके, फिर आपको यहाँ पे भी टेंशन लेना पड़ेगा, यहाँ टेंशन इसका, फिर आपको स्यूडो फोर्स भी लेना पड़ेगा, उस मेथड से भी किया जा सकता है, वो थोड़ा लेंदी है। इसको इसका शॉर्ट मेथड है एनर्जी मेथड से करना। एनर्जी मेथड से करने के लिए आपको सिर्फ इसका फॉल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी चाहिए और इनकी वेलोसिटीज चाहिए। तो इसकी वेलोसिटी अगर वी है, आप इसको अगर डेल्टा टी से डिवाइड करें तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू ट्वाइस डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी। सो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज ट्वाइस डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी, हमने वी ले लिया, इसकी वेलोसिटी ली है डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि इसका डिस्टेंस ये जेड है। सो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी के टर्म्स में, क्योंकि इसका फिक्स्ड वॉल से डिस्टेंस जेड है। तो इसकी वेलोसिटी अगर वी है तो इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी ट्वाइस वी हुई। सो ये अगर वी से मूव कर रहा है तो इसका जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, नोट करिए एब्सोल्यूट वेलोसिटी, रिलेटिव नहीं, इसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी ट्वाइस वी है, और इसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, पर रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा थ्री वी इसके रिस्पेक्ट में। मगर हम जब एनर्जी का प्रॉब्लम एनर्जी के मेथड से सॉल्व करते हैं, हमेशा आपको एब्सोल्यूट वेलोसिटी लेना पड़ेगा, अनलेस आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कर रहे हो, तब आप रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ले सकते हैं। यहाँ तो हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में नहीं कर रहे हैं, तो आपको हमेशा एब्सोल्यूट वेलोसिटी के टर्म्स में काम करना है। तो इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी वी, इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी ट्वाइस वी। अब इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी कितनी है, तो पहले तो आप इसकी रिलेटिव वेलोसिटी देखिए, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये है डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी, ये है वी रिलेटिव ऑफ एम टू। डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी कितना हुआ, थ्री डेल्टा जेड, इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर लीजिए, ये हो गया थ्री वी। तो इसका वेलोसिटी याद रखिए, ये रिलेटिव है, दिस इज रिलेटिव टू कैपिटल एम, हमें लेकिन वेलोसिटी पता होनी चाहिए एब्सोल्यूट। तो डायग्राम बना के देख लिए, एम चल रहा है इस वेलोसिटी से, ये एम कैपिटल एम चल रहा है एक वेलोसिटी से, उसके ऊपर एम टू रखा हुआ है, तो इसके एरो पे जब भी एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर है
तो मेन बॉडी की वेलोसिटी वी है, जो बॉडी इसके ऊपर है वो आप एरो से ड्रॉ कीजिए, एरो पे वो वाली वेलोसिटी रख दीजिए 3v। तो आपका ये आ गया, रिजल्टेंट है एब्सोल्यूट वेलोसिटी वी एब्सोल्यूट ऑफ m2। ये एंगल कितना हुआ, अल्फा हुआ, ये एंगल अल्फा दिया हुआ है, तो ये एंगल अल्फा हुआ, तो वी ए m2 एब्सोल्यूट कितना हुआ, वी स्क्वायर 3v प्लस 9v स्क्वायर माइनस ट्वाइस वी 3v कॉस अल्फा अंडर रूट, या वी एब्सोल्यूट m2 होल स्क्वायर इज 10v स्क्वायर माइनस 6v स्क्वायर कॉस अल्फा, और वी स्क्वायर 10 माइनस 6 कॉस अल्फा, ये आपका वी एब्सोल्यूट m2 का हुआ। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मुझे रब करना पड़ेगा, वी एब्सोल्यूट m2 का हुआ वी स्क्वायर होल स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर है, 10 माइनस 6 कॉस अल्फा। अब आपको सीधा पोटेंशियल एनर्जी फॉल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी है, अब फॉल इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इस डिस्टेंस वर्टिकली ये कितना गिरा यहाँ से, अगर ये आप रेफरेंस मान लीजिए, ये रेफरेंस लाइन आप यहाँ तक ले आइए, ये फिक्स रेफरेंस है हमारा, क्योंकि ये हाइट तो चेंज नहीं हो रही है, वर्टिकल हाइट तो चेंज नहीं हो रही, तो इसको हम फिक्स रेफरेंस मान सकते हैं। ये एंगल कितना हुआ अल्फा, तो ये कितना हुआ ई कॉस अल्फा, सॉरी साइन अल्फा, साइन अल्फा, ये वाला डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस। सो डेल्टा एच कितना हुआ फॉल, डेल्टा ई साइन अल्फा, डेल्टा एच इज डेल्टा ई साइन अल्फा, एंड व्हाट इज डेल्टा ई, डेल्टा ई इज, ये मॉडुलस में है, मॉडुलस में है, ये है 3 डेल्टा जेड साइन अल्फा, जो है आपका डेल्टा एच है, वर्टिकल से ये मास m2 डेल्टा एच गिरा जब ये चला। सो फॉल इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, एम जी 3 डेल्टा जेड साइन अल्फा, पर ये किसके बराबर हुआ, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, इसका वेलोसिटी कितना है v, इसकी एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, इसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी ट्वाइस वी है, प्लस हाफ एम वन 4v स्क्वायर, क्योंकि इसका वेलोसिटी ट्वाइस वी है, ये एब्सोल्यूट है, और इसका वेलोसिटी कितना है m2 हाफ m2 वी स्क्वायर इंटू 10 माइनस 6 कॉस अल्फा। इसको वी स्क्वायर, आपको हाफ वी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, क्या आया m प्लस 4m1 प्लस m2 10 माइनस 6 कॉस अल्फा, ये है आपके एम जी 3 डेल्टा जेड साइन अल्फा के बराबर, ये आपका फॉल इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब आप देखिए इसका इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो था, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ये यहाँ पे एक्सलरेशन है, इसका एक्सलरेशन सपोज ए है, ए एक्स लिख लेता हूँ मैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये एक्स एक्सिस है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस, एस कितना है हमारा डेल्टा जेड, हमने डेल्टा जेड डिस्टेंस चला, तो डेल्टा जेड की वैल्यू रख दीजिए 3 एम जी साइन अल्फा, डेल्टा जेड की वैल्यू है वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2 एम प्लस 4 एम वन प्लस एम टू 10 माइनस 6 कॉस अल्फा, वी स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो एक्सलरेशन का वैल्यू आया 3 एम जी साइन अल्फा अपॉन एम प्लस 4 एम वन प्लस एम टू 10 माइनस 6 कॉस अल्फा, ये आपका आंसर हुआ।
और अगर आपको एक्सलरेशन एम टू का भी निकालना होता तो आप क्या करते, आप एक रिलेशनशिप देखिए, ये रिलेटिव एक्सलरेशन इसका और इसका क्या रिलेशनशिप है, आपका जो जो रिलेशनशिप था ये था 3 डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ई मॉडुलस में, सो 3 वी इज इक्वल टू वी ऑफ एम टू विद रिस्पेक्ट टू एम, इसको डबल डिफरेंशिएट कर दीजिए, 3 ए इज इक्वल टू ए ऑफ एम टू विद रिस्पेक्ट टू एम, तो आपका एक्सलरेशन विद रिस्पेक्ट टू एम जो है वो 3a है और m का एक्सलरेशन a है, तो सेम कीजिए, ये a था उसके ऊपर ये 3a है, ये एंगल अल्फा था, तो ये आ गया आपका एब्सोल्यूट एक्सलरेशन ऑफ a डैश, लिख लेते हैं इसे a डैश ऑफ m2, उसी मेथड से वेक्टर वाले मेथड से आप कर लीजिए, आपको a मालूम है और ये 3a है, वेक्टर मेथड से आप इसका भी एब्सोल्यूट एक्सलरेशन निकाल सकते हैं।